नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक लंबे समय के बाद मेरे चैनल पे। और टॉपिक वही है, अडेनियम। इस समय काफ़ी फूल इसमें आ रखे हैं। और जो बात है वो ये है कि ज़्यादातर लोग जिनको भी मैंने ये इसके फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोस भेजी है, सबका एक ही क्वेश्चन रहता है कि ये मतलब इसमें इतने सारे फ्लावर कैसे आते हैं, आप क्या करते हो। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, मैं सभी को बोलती हूँ कि मैं इसमें ऐसा कुछ भी फर्टिलाइज़र मैं नहीं डालती हूँ। और जो चीज़ मैं इसमें सबसे ज़्यादा डालती हूँ वह है पानी। और लोग इस बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं करते हैं कि हमें इसमें कितना पानी देना चाहिए, लेकिन मैं इसमें डेली ही वाटरिंग करती हूँ और कोई एक एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र नहीं देती। हाँ, हर साल मैं इसका रिपोर्ट ज़रूर करती हूँ। और ये देखिए, ये एक मेरा छोटा सा है अडेनियम, इसमें देखिए कितनी फ्लावरिंग है। और ये कुछ मेरे प्लांट्स हैं जिसमें मैंने लौकी, तुरई और खीरे वगैरह की बेल लगाई हुई है। मेरी चांदनी है इस समय खिलने के लिए बिल्कुल तैयार, और टमाटर और बैंगन, हर चीज़ मैंने अब की बार अपने टेरेस गार्डन में लगाई है। और ये देखिए, और ये बोगनवेलिया भी इस समय काफ़ी खिल रही है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि सारे फ्लावर्स के एकदम से मुरझा जाते हैं। और ये आलमंडा की बेल जो बहुत सुंदर इसमें फूल निकलते हैं, पूरी भर जाती है, और ये बेल बिल्कुल ऊपर तक आ चुकी है। तो ये सारी मेरी हैं बोगनवेलिया की प्लांट्स। और इसके आगे जो है वो है मेरा मदर प्लांट। देखिए इसमें भी कितनी ब्लूमिंग हो रखी है, बहुत ज़्यादा। तो हर साल आप अपने अडेनियम को इसको रिपोर्ट कीजिए, और तभी मैं जो कुछ मुझे देना होता है मैं तभी इस साल में एक बार ही देती हूँ, लेकिन मैं पानी इसमें बहुत सारा देती हूँ। ये वाइट है देखिए, डबल वाला, बहुत अच्छा, इसकी मैंने कटिंग की थी। तो ये सब मेरे खुद के ही अपने ये मदर प्लांट है, बाकी के जितने भी प्लांट्स आपको इनके दिख रहे हैं वो सारे मैंने खुद बनाए हैं, घर में ही सीडलिंग से बनाए हैं। तो इनको उगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ना ही मुझे इनकी केयर करना इतना मुश्किल लगता है। और ये देखिए, जितने भी छोटे हैं जैसे भी लगे हैं, पर सब पे इस समय फ्लावर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं यही इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था कि जो बोलते हैं या कहते हैं कि पानी कम देना चाहिए, लेकिन मैं अपने इन पेड़ों में दोनों टाइम पानी देती हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो आप मुझको ज़रूर आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।